हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि जितने भी मेरे आरपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत डिमांड किए उन बच्चों ने भी कि मैम आप प्लीज़ वीडियो डालिए हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड। तो ये जो वीडियो है ये आरपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है और सारे होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी होम साइंस की वीडियोज़ हैं स्टूडेंट्स, वो सब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, फिर चाहे वो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हों, चाहे आरपीएससी के स्टूडेंट्स हों, चाहे डीएसएसबी के स्टूडेंट्स हों, किसी भी टाइप के स्टूडेंट्स हों, होम साइंस का सारा सिलेबस सब में सेम ही रहता है। ओके, फिलहाल यहाँ पर ये आरपीएससी के लिए स्पेशल क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है उनकी ये, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन आपको पता ही है कि जितने भी आपके मैमल्स होते हैं या जितने भी आपके कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनकी जो मसल्स होती है, उस मसल्स टिश्यूज़ में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। और इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट धातु है या बहुत इंपॉर्टेंट जो घटक है वो है आपके आयरन लोहा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किस चीज़ का? एड्स हेतु जागरूकता का। रेड रिबन एक्सप्रेस जो है वो भारत सरकार द्वारा आपके चलाई जाती है और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो देश भर में घूमकर लोगों को एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता प्रदान करना होता है, ठीक है। क्योंकि एड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, उसे किस तरीके से बचा जा सकता है, ये जागरूकता जो है इस एक्सप्रेस के थ्रू इसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है और लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान? ये आपके बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है स्टूडेंट्स, इसको 7 रंग में दर्शाया गया है। ये जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव 2020 तक उन सभी बच्चों को दायरे में लाना है जिनके लिए 7 टीके लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 7 टीके हैं, इनमें आपके डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीवी, खसरा, हेपेटाइटिस बी शामिल है। इसीलिए ये मिशन इंद्रधनुष है, इसमें 7 रंग दर्शाए गए हैं और 7 टीके बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को लगाए जाते हैं और ये भारत सरकार द्वारा जो है आपके ये योजना चलाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है आपके? कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है C27 एंड आपके H46 एंड O, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो आपके जंतु वसा है, एनिमल फैट है, इसमें एक वसीय अल्कोहल है जो कि आपके कलरहीन है, टेस्टलेस है और वाइट क्रिस्टलाइन है, मतलब श्वेतहीन, रंगहीन और गंधहीन है, ठीक है। और इसका जो है मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है आपके कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल की अगर बॉडी में मात्रा बढ़ जाती है तो आर्थरोसिलोरोसिस जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। और ये आपके कहाँ पाया जाता है? चिपचिपा मोम युक्त अल्कोहल युक्त पदार्थ कोशिका में पाया जाता है, ब्लड की प्लाज्मा में आपके ये संचालित होता है और इसको स्टेरॉयड कहते हैं, क्योंकि आपके अल्कोहल और स्टेरॉयड का मिश्रण है इसलिए स्टेरॉल है, ठीक है। इसको स्टेरॉल में वर्गित किया गया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कौन सा वनस्पति तेल हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत उपयुक्त है? तो वो है आपके सनफ्लावर ऑयल। सूरजमुखी का तेल जो है वो हृदय के रोगियों के लिए बहुत उपयुक्त तेल है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसको मस्टर्ड प्लांट भी कहते हैं। मस्टर्ड प्लांट से मिलता है ये, तो और ये तेल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सूरजमुखी का तेल हेल्दी ऑयल होता है। नेक्स्ट इज, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के ब्लड में जो ब्लड की प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर का जो पूरा ब्लड है वो किडनी से आपके शुद्ध होता है, किडनी के माध्यम से, और ये प्रोसेस जो है डायलिसिस की ये किडनी में ही होती है, ठीक है। इसमें जो ब्लड में फॉस्फेट, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड्स और कंपाउंड्स, इनको सबको ही अलग कर देता है ये जो है, और सारा ब्लड जो है वो किडनी के थ्रू ही प्यूरीफाई होता है। तो ब्लड में जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है वो आपके डायलिसिस है और किडनी के थ्रू होती है। नाउ नेक्स्ट इज,
यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? जो यूरिया है आपके वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू किडनी से ब्लड में से अलग किया जाता है, ठीक है। किडनी द्वारा ब्लड से अलग किया जाता है क्योंकि यूरिया एक एक्सक्रेटरी मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है और जिसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यूरिया जो है वो मूत्र के माध्यम से मतलब यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यूरिया और स्टूडेंट्स एक बात और बताना है कि जो किडनी है बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, किडनी की बात हो रही है, मुख्य कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। और जो ह्यूमन का जो किडनी है वो डेली 1500 लीटर ब्लड को शुद्ध करता है, जिसमें से 1.5 लीटर जो है वो मूत्र में यूरिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है और आपको पता भी है। इसके अलावा किडनी में स्टोन्स बनते हैं जो किसके बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंजाइम क्या है। एंजाइम एक आपको पता है एंजाइम वस्तुतः नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है वायो उत्प्रेरक। तो एंजाइम्स क्या है, वायो उत्प्रेरक है। ये जो आपके जितनी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें स्टिमुलस भी करते हैं, उत्प्रेरित भी करते हैं। तो एंजाइम्स आपके प्रोटीन्स तो हैं, इसके साथ साथ वायो उत्प्रेरक भी हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। और एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिनका निर्माण आपके नाइट्रोजन, प्रोटीन में क्या है नाइट्रोजन है, जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके संश्लेषण से होता है, ठीक है। एंजाइम्स। नाउ नेक्स्ट इज कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, वो जाइमेज होता है। जाइमेज नामक एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, C6H12O5 इज ग्लूकोज, जाइमेज जो है वो कन्वर्ट करता है इथेनॉल में, 2C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है, रिएक्शंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो विद एक्सप्लेनेशन में आपको समझा रही हूँ और आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं और ज़्यादा वीडियोस के साथ आपको पढ़ाऊँगी, आपको बताऊँगी। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स। और ये जो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, वो आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ साथ औषधीय लाभ भी प्रदान करते हैं। औषधीय लाभ मतलब आपकी बॉडी में एज अ मेडिसिन भी वर्क करते हैं, ठीक है, औषधीय लाभ भी प्रदान करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अधिक जानकारी के साथ, जहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आंसर्स भी कराऊंगी, विद आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।